रुख करते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि राज्यपाल के अभिभाषण पर विपक्ष के बहिष्कार पर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि सरकार ने संसदीय परंपराओं को तोड़ा है, सरकार ने नियमों से परे अपनी मनमानी करार दिया है। और वहीं संसदीय कार्यमंत्री ने कहा कि राज्य के संसदीय परंपरा को सरकार ने तोड़ा, गलत परंपराओं में भागीदार बीजेपी नहीं बनना चाहती है, सरकार के पास बहुमत है चाहे जो कर ले। इसके साथ ही जेसीसी विधायक दल के नेताओं ने भी सरकार पर निशाना साधा। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता जुड़ गए हैं रूपेश गुप्ता। रूपेश, जिस तरीके छत्तीसगढ़ विधानसभा में पहली बार इतिहास में यह हुआ है कि जब विपक्ष ने यहां पर समय जो राज्यपाल है उनके अभिभाषण के वक्त वॉकआउट कर दिया। जी हाँ, जाहिर तौर पे और कहीं ना कहीं भाजपा की ये रणनीति रही है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में 2 दिन का स्पेशल सेशन बुलाया गया तो कम से कम यहाँ भी 2 दिन का सेशन बुलाया जाना चाहिए था। हालांकि सरकार का इस पर स्टैंड ये है कि रविंद्र चौबे ने सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले जब इसको बुलाया गया था तो उन्होंने साफ किया था कि बृजमोहन अग्रवाल उस बैठक में शामिल थे और मुख्यमंत्री ने ये निर्देश अपनी ओर से इच्छा जाहिर की थी कि जो भी व्यवस्था हो, जैसी भी व्यवस्था हो, उस व्यवस्था में इस मामले को देखा जाए और जो संवैधानिक व्यवस्था है उसी के तहत ये किया जाए। और जब ये हुआ तो उसके बाद फिर सदन की कार्रवाई जैसे शुरू हुई वॉकआउट कर दिया, बहिष्कार कर दिया, और न सिर्फ भाजपा ने बल्कि जो भी कांग्रेस ने भी, और ये कहा कि जो संवैधानिक व्यवस्था है उसका सरकार उल्लंघन कर रही है। तो हालांकि उसके बाद अभी चर्चा आरक्षण को लेकर के चल रही है जो 10 साल बढ़ाया जाना है, जिस पर ये सदन का विशेष सत्र आहूत किया गया है 1 दिन का, और इसके बाद चर्चा शुरू हो जाएगी वो राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद देने की। तो ये जो चर्चा है, ये जो पूरी कार्रवाई है, इसके बीच में जो ये स्टैंड लिया है रणनीतिक तौर पर, इसके क्या मायने हो सकते हैं, कांग्रेस इसको किस तरह से स्टैंड कांग्रेस लेती है, ये भी देखने वाली बात होगी जब राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा शुरू होगी। बिल्कुल रूपेश, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि भाजपा विधायक दल ने पहले ही राज्यपाल और स्पीकर से मिलकर इस पर आपत्ति जताई थी। जी हाँ, आपत्ति दर्ज कराई थी, ओपनली भाजपा के खिलाफ थी और बार बार ये बात कह रही थी, और लेकिन किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि अभिभाषण का भाजपा बहिष्कार कर जाएगी, और ऐसा जो है देखने को पहली बार मिला है। तो इस पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है भाजपा और जेसीजे के बहिर्गमन करने को, बहिष्कार करने को लेकर? भाजपा को कांग्रेस जो है घेरेगी पूरी तरह से, और भाजपा पे ये भाजपा जो है वो संविधान विरोधी है। चल, जानकारी के लिए शुक्रिया आपका रूपेश। डॉक्टर रमन सिंह सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से सदन में हालात बने, क्या यह छत्तीसगढ़ विधानसभा इतिहास की बड़ी घटना मानी जाएगी? इसको हम उचित नहीं मानते। नियम, प्रक्रिया और परंपराओं को तोड़ा जा रहा है और ये उचित नहीं। बीजेपी ने पहले भी राज्यपाल और स्पीकर से मिलकर आपत्ति दर्ज कराई थी। मध्य प्रदेश का आपने जिक्र किया कि 2 दिन का सेशन था, यहाँ क्या ये हो सकता है? मध्य प्रदेश जैसा हुआ यहाँ भी हो सकता था। कोई अब बीजेपी का स्टैंड क्या है राज्यपाल के अभिभाषण के मुद्दे को लेकर, क्योंकि सरकार हम आरक्षण के विषय के समर्थन करते हैं और धन्यवाद देंगे मोदी जी को और चर्चा में हिस्सा लेंगे। तो ये थे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह। इन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ के संसदीय इतिहास की पहली बड़ी घटना होगी जब राज्यपाल के अभिभाषण के बहिष्कार की नौबत विपक्ष को आएगी। और मैं रेखा में जाऊंगी आशीष तिवारी स्वराज। जेसीसी ने राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान बहिष्कार किया है, तो मेरे साथ धर्मजीत सिंह जी मौजूद है। बहिष्कार की वजह है? देखिए, राज्यपाल का अभिभाषण इस तरीके से नहीं होता। राज्यपाल का अभिभाषण सरकार के क्रियाकलाप का दर्पण होता है, सरकार के कार्य योजनाओं के क्रियान्वयन का वो प्रदर्शन होता है। और ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ कि हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश में एक पेज का राज्यपाल का अभिभाषण यही हुआ है छत्तीसगढ़ में, और उसी से हमको आपत्ति है क्योंकि प्रदेश की अनेक ज्वलंत समस्याएं हैं जिसकी ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिए राज्यपाल के अभिभाषण में संशोधन पेश करने का हमको अधिकार होता था, और आनंद फानन में 1 घंटे में संशोधन, 1 घंटे में उसका कोई जवाब भी नहीं आएगा, और औपचारिकता करके खानापूर्ति करने के इस जो असंवैधानिक कार्य है उसका हम विरोध कर रहे हैं। हम राज्यपाल के अभिभाषण के कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर भाग नहीं लेंगे, लेकिन दिल्ली की सरकार में लोकसभा और विधानसभा में जो अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण का जो संशोधन हुआ है उसका अनुसमर्थन इस प्रदेश की विधानसभा में हम जरूर करेंगे। ऐसी परिस्थितियां क्यों बनी है? आखिर क्यों 2 दिन का सत्र नहीं बुलाया जा सकता था? क्योंकि 2 दिन का सत्र होता तो
जो संशोधन सदस्यों की तरफ से आ पाता उसे विधानसभा सचिवालय ले सकता था और चर्चा हो सकती। अब ये तो सरकार के मुखिया और संसदीय कार्य मंत्री से पूछिए कि ऐसा क्यों परिस्थिति बनी है। लेकिन संसद भवन विधानसभा भवन एक ऐसी जगह है जहां पर सामंजस्य और बातचीत के जरिए से ही कार्यक्रम निर्धारित किए जाते हैं। पूर्व में अगर इसमें विस्तृत चर्चा हो करके कोई निर्णय में पहुंचते तो शायद बेहतर होता, लेकिन जो भी हुआ आज बहुत दुखद हुआ है। जो भी हुआ बहुत दुखद हुआ ये कहना है जेसीसी के जो सदन के नेता हैं धर्मजीत सिंह। कैमरामैन रेखराम देवांगन के साथ आशीष तिवारी, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। राज्यपाल के अभिभाषण का बीजेपी समेत जेसीसी विधायकों ने बहिष्कार किया है। हमारे साथ संसदीय कार्य मंत्री रविन्द्र चौबे जी मौजूद हैं। सर, क्या इसे संसदीय इतिहास की पहली घटना मानी? राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जिस तरीके से बहिष्कार हुआ है मैं समझता हूँ कि इसकी निंदा की जानी चाहिए। आज का जो सत्र है केवल केंद्र में कानून पास किया अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण का 10 साल बढ़ाने का, उसके अनुसमर्थन के लिए विधानसभा सत्र है और महामहिम के अभिभाषण में उन्हीं बातों का उल्लेख किया गया है और इसका भी अगर वो लोग विरोध करेंगे तो मैं समझता हूँ कि बेहद दुर्भावना से प्रेरित है, इसकी निंदा की जानी चाहिए। विपक्ष ये कह रहा है कि ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हो पाती, हम अपना संशोधन नहीं दे पाते और इसलिए हम चाहते थे कि आगामी सत्र में अभिभाषण को बढ़ा दिया जाए। मुझे लगता है कि विपक्ष में दिग्गज राजनेता मौजूद हैं और संशोधन के लिए माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने वक्त दिया हुआ है, संशोधन क्यों नहीं दे पाएंगे, उनको देना चाहिए। पहले कोई ऐसा इतिहास है क्या कि दो बार राज्यपाल का अभिभाषण किया गया हो? इसी छत्तीसगढ़ विधानसभा में हुआ है 2003 में, मेरा ख्याल है कि महामहिम के अभिभाषण दो बार एक कैलेंडर वर्ष में हुआ है। अब क्या करेगी संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर, क्या आपकी भूमिका होगी? विपक्ष ने बहिष्कार तो किया था, क्या भूमिका जैसी कोई बात नहीं है। मैं ऐसा समझता हूँ कि वो खुद उनको लगेगा गिल्टी फील होगा और अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण का मसला है सदन में वो आएंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ और उनको आमंत्रित भी करता हूँ। ये थे संसदीय कार्य मंत्री रविन्द्र चौबे और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के इतिहास की बड़ी घटना आज सदन में घटी है कि राज्यपाल के अभिभाषण का पहली बार विपक्ष ने बहिष्कार किया है, इस पर उनकी यही दलील है कि ये बीजेपी की राजनीति है। कैमरामैन रेखा देवांगन के साथ आशीष तिवारी, स्वराज एक्सप्रेस। वंशीधर भगत को उत्तराखंड भाजपा की कमान सौंपी गई है।